गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन, जहां हम पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे और आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क, पावर और एनर्जी। बट उसके पहले हम एक क्वेश्चन जो हमारा बच गया था शीट्स में उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ऐसे था, ठीक है, कि इस तरीके से 40 केजी का एक बॉक्स रखा है, ठीक है, वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इसके ऊपर एक 10 केजी का बॉक्स और रखा है, ठीक है, और 10 केजी को बॉक्स को इस तरीके से 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों बॉक्सेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो है म्यू बराबर 0.4, ठीक है, 0.4 का कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हमसे पूछा गया है कि जो 40 केजी का बॉक्स है उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इतना पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही 10 केजी का बॉक्स है तो उसे 100 न्यूटन से इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो फ्रिक्शन उस पर कहाँ लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा, फ्रिक्शन उस पर पीछे की ओर लग रहा होगा। अब चूंकि फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, यानी कि ये वाला बॉक्स जो है वो उसे फ्रिक्शन के अपोजिट रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि इस 40 केजी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की ओर लगेगा। समझ रहे बात, कि भाई 10 केजी को बॉक्स को 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या करेगा, पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसकी रिलेटिव मोशन कहाँ हो रही है, पीछे। तो इसका जो फ्रिक्शन है वो कहाँ रोकने की कोशिश करेगा, आगे की ओर रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो दोनों बॉक्सेस पर अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है, यानी कि इसका फ्रिक्शन तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है पीछे की ओर, और इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे ये वाला जो नीचे वाला जो बॉक्स है वो उसे आगे की ओर लग रहा है, ताकि दोनों में फ्रिक्शन बना रहे, दोनों रिलेटिव मोशन ना करें, ठीक है। यानी कि 10 केजी के बॉक्स पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, और 40 केजी के पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे की ओर, जो कि उसे मोशन कराएगा, यानी कि इस पर मोशन क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स 40 केजी पर लग रहा है वो फ्रिक्शन उसे आगे की ओर मूवमेंट करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये क्वेश्चन था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, अगर मान लो दिक्कत आए तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि दो बॉक्स रखे हुए हैं, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, 10 केजी वाले को 100 न्यूटन इधर से खींच रहा है, तो 10 फ्रिक्शन क्या करता है, जो मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस रिलेटिव मोशन को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो दोनों बॉक्सेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हमें दे रखा है 0.4, ठीक है। तो 10 केजी पर 100 न्यूटन इस साइड में लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसे 100 न्यूटन की तरफ जाने से रोकेगा, यानी कि उस पर फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, दोनों बॉक्सेस में रिलेटिव मोशन पीछे की ओर, रिलेटिव मोशन कहाँ लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, कि भाई फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, तो जो 40 केजी वाला है वो उसे पीछे की ओर जाने से रोकेगा, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन के कारण जो मूवमेंट पीछे की ओर होना चाहेगा उसे उतना ही फ्रिक्शन आगे की ओर लगाकर दोनों की रिलेटिव मोशन को रोकने का प्रयास करेगा। यानी कि 40 केजी पर ओनली ऑन एक फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि हम फाइंड कर लेंगे, और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसमें मोशन होगा, जिस मोशन को हमने क्या बोल दिया, एफ बराबर एम ए बोल दिया, ठीक है। अब एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ एस कितना होता है, एफ एस होगा हमारा म्यू एस एन, जहां पर एन क्या है, इस 10 केजी पर लगने वाला नॉर्मल, ठीक है भाई। फ्रिक्शन क्यों जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ 10 केजी पर 100 न्यूटन लगने के कारण, तो वहीं से तो आया। एफ एस आप या तो यहां से फाइंड करो या एफ एस यहां से फाइंड करो, बट यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 10 केजी पर हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर तो हम नॉर्मल फाइंड नहीं कर सकते, इस पर फाइंड करेंगे भाई, एफ एस तो दोनों जगह सेम है ना भाई, फ्रिक्शन दोनों जगह सेम लग रहा है,
एक तरफ पीछे लग रहा है, एक तरफ आगे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ का फ्रिक्शन हम जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एम जी के इक्वल, एम जी नीचे लग रहा होगा तो एम जी कितना हो जाएगा, एफ ए म्यू एस बराबर एम जी। एम कितना है यहाँ पर, एम है 10 के जी का, ठीक है। तो म्यू एस कितना है 0.4, एम कितना है 10 और जी कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 40 न्यूटन, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो कितना है 40 न्यूटन है। और 40 न्यूटन से एम ए, जो एम क्या है एम टू है वो है 40, तो 40 × 40 × a, a इक्वल टू क्या हो गया 1 m/s², यानी कि जो 40 के जी का जो मास है वो फ्रिक्शन के कारण कहाँ जा रहा होगा, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसमें एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन दी गई है सॉल्यूशन में वो ये है कि भाई जो 40 केजी का जो बॉक्स है उसे कौन चला रहा है, उसे फ्रिक्शन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, यानी कि उस पर एफ एस मैक्सिमम लग रहा होगा, एफ एस मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है, एफ एस मैक्सिमम लग रहा है। तो यूनिट फोर्स कितना, यूनिट मास पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट मास पर यानी कि 40 केजी पर कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 40 केजी पर कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और इस पूरे टोटल सिस्टम को अगर हम एक साथ चलाना चाहें तो उस पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है। भाई आपने 100 न्यूटन 10 केजी के बॉक्स पर लगा दिया, ठीक है। अब है ना, है हमसे यूं पूछा जा रहा है कि क्या ये साथ साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, किसका एक्सेलरेशन है ये 40 केजी वाले का, ठीक है, और 10 केजी वाले पर 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो हमसे यूं पूछा जा रहा है क्या ये साथ साथ एक साथ जो एक्सेलरेशन ए है उससे गति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने जाना कि भाई जो 40 केजी का जो मास बॉक्स है वो चलता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से चलता है वो। तो हमने क्या किया, यूनिट मास पर उसका फोर्स निकाला, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन 40, और टोटल सिस्टम का फोर्स कितना, टोटल सिस्टम का मास कितना है 40 + 10, भाई 40 ये 10 ये, तो भाई यूनिट मास पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यूनिट मास कितना है 40 केजी पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मैक्सिमम, तो हमने फ्रिक्शन अपॉन 40 किया इनटू टोटल मास कर दिया सिस्टम का, ठीक है, टोटल मास कर दिया सिस्टम का। अब मैक्सिमम इस स्थिति में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 40 न्यूटन, ये निकाला ना यार, यही तो मैक्सिमम है भाई, इससे ज्यादा लग सकता है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। मैक्सिमम कितना लगता है, म्यू एस एन, म्यू एस एन ही तो लगता है ना मैक्सिमम, तो वो हमने निकाला, तो 40 / 40 × 50, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 50 न्यूटन हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम फोर्स, फोर्स फोर साथ साथ चलने के लिए टुगेदर, ठीक है, यानी कि ये पूरा सिस्टम एक साथ चले उसके लिए फोर्स हमें रिक्वायर्ड है 50 न्यूटन का, ठीक है। बट पूरे सिस्टम पर कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, यानी कि ये जो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है वो ज्यादा है 50 न्यूटन से, 50 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि भाई साथ साथ चलने के लिए तो 50 न्यूटन जरूरत थी हमें, पर पूरे सिस्टम पर जो 10 केजी का न्यूटन है उस पर जो नेट फोर्स है वो 100 लग रहा है, जो हमारे 50 न्यूटन है उससे ज्यादा है, यानी कि जो 10 केजी का बॉक्स है वो आगे चला जाएगा, ये साथ साथ नहीं चल पाएगा, नॉट टुगेदर, ठीक है, साथ साथ नहीं चल पाएंगे। क्यों क्यों साथ साथ नहीं चल पाएंगे, भाई साथ साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना था, 50 न्यूटन था, ठीक है, बट पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो 100 न्यूटन लग रहा है, जो कि 50 न्यूटन से ज्यादा है, तो ऊपर वाले बॉक्स पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो पहले निकल लेगा, और जो 40 केजी का बॉक्स है उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन उससे वो चलेगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बराबर 1 m/s². ये क्वेश्चन था हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का था और क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्या क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि अगर कोई बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा है, तो वो जो जिस बॉक्स पर फोर्स लग रहा है तो वो तो फोर्स के कारण जाएगा, और जिस बॉक्स पर फोर्स नहीं लग रहा है वो फ्रिक्शन के कारण जाता है, और फ्रिक्शन कैसे कैसे लगेगा, फ्रिक्शन दोनों की जो कॉन्टेक्ट की सरफेस है उनके रिलेटिवली अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लग रहा होगा,
जैसे ऊपर वाले बॉक्स पर इस साइड में फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन उस पर नेगेटिव साइड में लगे, अपोजिट साइड में लगे, तो नीचे वाले को जो नीचे वाला जो बॉक्स होगा उसको जो फ्रिक्शन है उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइड में खींच रहा होगा ताकि उनके रिलेटिव मोशन का अपोज हो सके। ठीक है, ये सबसे मेन कंसेप्ट था फिजिक्स का, बाकी कैलकुलेशन है। फिर हमने क्या किया कि अगर फोर्स हम पूरे बॉक्स का पूरा सिस्टम को एक साथ चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, अगर उस फोर्स से ज़्यादा नेट फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स अलग अलग हो जाएंगे, दोनों बॉक्सेस अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर उस जो मिनिमम फोर्स है साथ साथ चलने की उसके बराबर लग रहा है तो दोनों बॉक्स साथ साथ गति करने लग जाएंगे, जबकि फोर्स किस पे लगाया है, सिर्फ एक ही ऊपर वाले बॉक्स पर हमने लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया और आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे, वर्क क्या होता है, फिर उसके बाद में एनर्जी क्या होगी और पावर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि कोई भी काम करना। ठीक है, बट फिजिक्स में ऐसे जैसे हम डेली लाइफ में काम करते हैं थक जाते हैं, इन सब चीज़ों को फिजिक्स की तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का फोर्स है, क्योंकि भाई हम काम कर रहे हैं, खर्च तो हो रही है हमारी एनर्जी, बट उसे आप एनालाइज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो फोर्स जब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास वर्क देता है। ठीक है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, मान लो हम किसी पेपर पर पेंसिल चला रहे हैं, ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, हमारा है हाथ थकेगा और ये सब, और तो इसके कारण क्या ये भी वर्क हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं, गोला तो बना ही रहे हैं तो फोर्स तो लग ही रहा है। ठीक है, बट एक्चुअलिटी में अगर कोई सर्कल में हम पेंसिल को घुमा रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट अगर आप सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है ना तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, सॉरी उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है वहां पर। ठीक है, फोर्स चाह रहा है कि सर्कल में आप घूमो, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन और उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री पर कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो ये बहुत बड़ी बात हो गई, छोड़ो चक्कर। ठीक है, सिंपली कि फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है, फिजिक्स में वर्क को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी फोर्स लग रहा है उसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास वर्क होगा। ठीक है, सिंपली। ठीक है, तो वर्क क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं कि वर्क क्या है, वर्क पावर एनर्जी को वर्क होगा, वर्क इज सेड डन। ठीक है, सिंपली लेते हैं हम वर्क को कि वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी displays the body through a certain distance in the direction of the force। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स की डायरेक्शन में ही उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस पर वर्क किया गया है। ठीक है, या हम कहते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज वर्क एफ इज इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, वर्क को डिफाइन किया कैसे कि एफ डॉट डी एस का जो इंटीग्रल फॉर्म है वो हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। ठीक है, ये कैसे आए ये हम देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि वर्क क्या है, एफ डॉट डी एस है और उसका इंटीग्रल है। ठीक है, तो हमने क्या दिखा कि फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो इंटीग्रल है वो टोटल जो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास वर्क है। एफ इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, एफ क्या है, उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो है। डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ठीक है, और डी एस वेक्टर क्या है, डी एस वेक्टर है कि जब तक कि उस पर फोर्स लग रहा है वो तब तक उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, डी एस वेक्टर है।
ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कि कांस्टेंट फोर्स है तो उसके साथ कितना वर्क डन हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि वर्क क्या होता है कि फोर्स के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है, वर्क है। ठीक है, एफ हम एक जो इक्वेशन ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और उस स्थिति में हम क्या ले रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि बोथ मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। भाई हमने वेक्टर को कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है कि उसका जो फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों कांस्टेंट है। अब हमने जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसमें क्या देखा कि एफ डॉट डी एस का जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्या है, हमारे पास वर्क है, और हमने क्या देखा कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, तो एफ वेक्टर को हमने बाहर ले लिया डॉट इंटीग्रल डॉट डी एस। इंटीग्रल का मतलब है कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे इंटीग्रल लगाते हैं उन सभी टुकड़ों को जोड़ दिया गया, यानी कि जो डी एस टुकड़े थे उन सभी डी एस टुकड़ों को इंटीग्रल कर दिया, यानी कि जोड़ दिया हमने, तो इंटीग्रल डॉट डी एस का हो जाएगा हमारे पास एस वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर इसे काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एस वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास वर्क क्या आया, एफ डॉट डी एस, यानी कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से हम देखते हैं कि क्या है कि एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर वो वेक्टर है, वो पॉइंट है जहां पर फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर है उसको अप्लाई किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रल डॉट डी एस क्या हो जाता है, हमारे पास एस वेक्टर हो जाता है, यानी कि फोर्स, वर्क क्या हुआ हमारे पास, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का, जहां पर एक वेक्टर फोर्स है दूसरा वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है, वर्क आता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई बॉडी है उस पर इस तरीके से एफ फोर्स लगाया गया, जब एफ फोर्स को लगाया गया तो इसका मतलब है कि हम उसे बॉडी को खींच रहे हैं, और खींचने से यहां तक उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, और वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एफ डॉट एस वेक्टर, एफ डॉट एस वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं कि अगर कोई भी आर वन वेक्टर डॉट आर टू वेक्टर है, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर वन आर टू कॉस थीटा, जहां पर आर वन और आर टू के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, आर वन और आर टू के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आर वन आर टू और उनके बीच का एंगल का कोस थीटा हमारे पास होता है। ठीक है, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन द एफ वेक्टर और एस वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि जो वर्क है वो क्या होता है, एफ वेक्टर और एस वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, और एफ और जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम मैग्नीट्यूड में निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब हमने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर किया तो दोनों से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो वर्क तो क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल गया कैसे, एफ डॉट एस कॉस थीटा से। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, और डायमेंशन आप बताएंगे। ठीक है, डायमेंशन का क्वेश्चन आप बताएंगे कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, ये आप बताएंगे। ठीक है, या फिर जो सी जी एस यूनिट है उसमें उसे वर्क की जो यूनिट है उसे क्या है, अर्ग। ठीक है, और एक अर्ग बराबर होता है 10^-7 जूल। ये कन्वर्जन है कि अगर आपको कभी अर्ग में वैल्यूज दी गई है या जूल में हमारे पास वैल्यू आई है और आंसर हमें अर्ग में निकालना है, तो एक अर्ग बराबर होता है 1 अर्ग = 10^-7 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, और वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
तो इट इज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव हो तो जाएगी, हम ले भी लेंगे पॉजिटिव को, बट पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब हमें बताया गया है, पॉजिटिव वर्क मीन्स दैट फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तब हमारे पास पॉजिटिव वर्क निकल कर आएगा। जैसे इस बॉक्स पर एफ लग रहा है थीटा एंगल पर, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एस कोस थीटा, ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 से कम है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जब हम कोस थीटा की वैल्यू में कोस थीटा रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 से कम है, 90 से कम है, तो दोनों के एंगल जो कोस थीटा आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव आएगी, ठीक है, या ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली हमने क्या देखा कि वर्क होता है एफ डॉट एस, ठीक है, यानी कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उससे हमें पॉजिटिव वर्क मिलेगा, ठीक है, सिंपली अभी यही देखते हैं, ठीक है। या फिर जो डेफिनेशन में कहा वो ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स किसकी फोर्स या उसका जो कोई कंपोनेंट है तो वो किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, वो उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है या उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम होगी, 90 से कम होगी, या जो फोर्स है उसका कोई कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम पैरेलल है, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो मिलती है, और कोस थीटा की जीरो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव वर्क है। द पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन ऑफ द बॉडी, कि पॉजिटिव वर्क क्या शो करना चाह रहे, पॉजिटिव वर्क ये शो करना चाहता है कि फोर्स जो है वो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि बॉडी इधर मूव कर रही है तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी उस पर इधर ही लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो है, यानी कि उसका कोस जीरो क्या हो जाए, कोस जीरो हो जाता है पॉजिटिव वर्क, तो हमें पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लग रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव वर्क का सिग्निफिकेंस हम देख पाते हैं कि पॉजिटिव वर्क हमें कब मिलेगा, जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल है, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन ए पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव, यानी कि जैसे ही हम किसी चीज को उठा रहे हैं, ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, लिफ्टिंग फोर्स को ऊपर लगा रहे हैं, और वो बॉडी भी कहाँ चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, यानी कि लिफ्टिंग फोर्स की ध्यान दीजिएगा, लिफ्टिंग फोर्स की यानी कि उठाने वाला जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से अप हुआ, तो दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, सेम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि लिफ्टिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, वो ग्राउंड से, मान लो कि मैं सिर पे रखना चाह रहा हूँ, तो ग्राउंड से सिर तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल पॉइंट क्या था, ग्राउंड था, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, मेरा सिर हो गया, ठीक है। तो हमने ग्राउंड से फाइनल पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, और हमने लिफ्ट कहाँ पे किया, लिफ्ट की जो लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो भी ग्राउंड से कहाँ है, ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने क्या देखा, जो लिफ्टिंग फोर्स है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल है, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग, ठीक है, फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है।
ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस स्थिति में भी जो फोर्स है वो एक्सटर्नल जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी डायरेक्शन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। भाई आपने स्ट्रेच किया है तो उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है वो एक्सटर्नल जो स्ट्रेचिंग है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन और स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों के बीच में थीटा जीरो होगा और कोस जीरो क्या होता है कोस जीरो होता है हमारे पास वन ठीक है और ये क्या है पॉजिटिव वन है ठीक है तो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास मिलता है एफ एस कोस जीरो और कोस जीरो की वैल्यू हो जाती है हमारे पास पॉजिटिव वन तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स मिलता है जब वो फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो दोनों पैरेलल हो तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स हमें मिलता है ठीक है। जीरो फोर्स हमें कब मिलेगा जीरो फोर्स हमें तब मिलता है जब फोर्स और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो दोनों परपेंडिकुलर हो ठीक है यानी कि उनके बीच में थीटा क्या हो 90 डिग्री हो और कोस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो कोस 90 की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो फोर्स है वो मिनिमम फोर्स होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो उसे हमने क्या बोला जीरो वर्क में कंक्लूड करेंगे। जीरो वर्क कब होगा जब हमारे पास फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा हो ठीक है। नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क ठीक है ये काट लेंगे वर्क लिख लेंगे यहां पर भी और यहां ठीक है यहां पर भी लिख लेंगे वर्क नेगेटिव सॉरी जीरो वर्क और यहाँ पर क्या लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे नेगेटिव वर्क ठीक है। तो नेगेटिव वर्क क्या है पॉजिटिव वर्क हमने देखा कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। जीरो वर्क कब होगा जब फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो ठीक है। नेगेटिव फोर्स कब होगा नेगेटिव वर्क कब होगा नेगेटिव वर्क मीन दैट द फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है वो 180 डिग्री 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री में होगा इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में और उसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो 90 से बड़ा होगा। भाई 90 तो यही हो गया ना 90 तो यही खत्म हो गया तो 90 से बड़ा होगा और 180 के लगभग होगा 180 तक जा सकता है तभी दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी या उनका कोई कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव वर्क कब हुआ कि थीटा जो है वो 90 से 180 के बीच में हो 90 से बड़ा हो और 180 किससे छोटा हो या 180 के बराबर हो ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा नेगेटिव फोर्स मिलेगा क्योंकि जैसे ही भाई 90 पर कोस क्या हो जाता है जीरो हो जाता है और 90 से जैसे ही आगे बढ़ता है तो कोस की वैल्यू हमें क्या मिलती है जीरो मिलती है ठीक है। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या मिलता है जो वर्क होता है वो हमें नेगेटिव वर्क मिलता है ठीक है। नेगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी यानी कि भाई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी ठीक है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है यानी कि जो बॉडी का मोशन है उसका अपोज कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स जिसका हम वर्क फाइंड करना चाह रहे हैं कि नेगेटिव फोर्स क्या इम्प्लाइज करता है नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज करता है कि जो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही थी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ताकि उस पर नेगेटिव फोर्स हमारे पास फाइंड हो रहा है ठीक है कि बॉडी का मूव इधर था बट उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों से जो हमें जो वर्क मिलेगा वो कौन सा वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क इम्प्लाइज करता है क्या कि बॉडी के मोशन के अपोजिट साइड में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ठीक है। तो ये हमने देखा कि नेगेटिव फोर्स क्या है और पॉजिटिव फोर्स
क्या है, ठीक है। ए पर्सन लिफ्ट अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है भाई। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था पॉजिटिव फोर्स में, कि हमने क्या किया कि कुछ बॉडी सामान रखा है नीचे, नीचे सामान रखा है ग्राउंड लेवल पर रखा है, हमने उसे लिफ्टिंग फोर्स से ऊपर उठाया। लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ पर हुआ, ऊपर की ओर है, यानी कि उठा के मैंने उसको सिर पे रख लिया, यानी कि इनिशियल पॉइंट का ग्राउंड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरे बॉडी के बराबर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेरी बॉडी की लेंथ के बराबर का हो गया। और लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैं ऊपर उठाना चाह रहा लिफ्टिंग फोर्स से, ठीक है। बट आप देखेंगे कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो ऑलवेज कहाँ लगता है, अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है, यानी कि जब मैंने उसे अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड से मैं मेरे सिर पर ले गया, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर है, और जो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसके अपोजिट मैंने वर्क किया है। दोनों ऑप्शन ध्यान दीजिए, दोनों एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल में ही एक ही एग्जाम्पल में दोनों फोर्स हो रहे हैं, ठीक है, कि मैं लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन तो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो तब तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों स्थिति में सेम है, ठीक है, ग्राउंड से उठा के मैंने सिर पे रख लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरी बॉडी की लेंथ के बराबर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक में हम मैं लिफ्टिंग फोर्स लगा रहा हूँ, लिफ्टिंग फोर्स की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के, और जब मैं नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ तो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है नीचे की ओर, यानी कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से मेरे सिर पर कर रहा हूँ तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर और ग्रेविटी का जो फोर्स है वो लग रहा है नीचे, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग फोर्सेज हैं, एक ही बॉडी पर दो अलग अलग व्यू तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और लिफ्टिंग फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव फोर्स हो रहा है, बट हम दूसरे व्यू से हम देख रहे हैं कि नहीं, बॉडी पर ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर नेगेटिव फोर्स हो रहा है, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा कौन सा फोर्स जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि उस बॉडी पर अनदर फोर्स भी लग रहे हो, जिस फोर्स के कारण हमें वर्क पूछा जाएगा उसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। अगर जैसे इसी एग्जांपल में हमसे पूछा जाता कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया तो हम बताते कि ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता कि लिफ्टिंग फोर्स ने कितना वर्क किया है तो हम बताते कि वो पॉजिटिव फोर्स है और वो जो भी कैलकुलेशन आती है उससे हम बता देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक ही एग्जांपल में दोनों वर्क हो रहे हैं, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है और लिफ्टिंग फोर्स के की टूवर्ड्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जैसे आदमी किसी लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाता है तो लिफ्टिंग फोर्स के तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में और ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। जीरो वर्क को वापस लिख दिया कि जीरो वर्क की तीन कंडीशन, कि जीरो वर्क तीन कंडीशन में हो सकता है, कि अंडर द थ्री कंडीशन हो सकता है वर्क डन बिकम जीरो, कि जीरो वर्क कब हो सकता है, जीरो वर्क कब कब हो सकता है, इसकी तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि फोर्स और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम देख चुके हैं कि फोर्स किसके परपेंडिकुलर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होता है, कहाँ होता है, देखते हैं कि एग्जाम्पल है, वेन अ कुली ट्रेवल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद अ लोड एंड हिज ऑन हिज हेड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय द कुली इज जीरो, ठीक है। जैसे कोई कुली है, उसने सिर पर अपने हेड पर लोड रख रखा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसे लेकर जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ग्रेविटी लग रही है नीचे,
ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, ग्रेविटी लग रही है नीचे, और सिर पर रखा हुआ है लोड, ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जा रहा है वो, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, मेरे इनिशियल पॉइंट से मेरा फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, और ग्रेविटी कहाँ लग रही थी, नीचे लग रही थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल में मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। भाई हॉरिजॉन्टल में मेरा डिस्प्लेसमेंट है इस तरीके से, ये तो क्या हो गया एस, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, क्या लिखूँ, ग्रेविटी, ठीक है, एफ जी, ठीक है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, यानी कि दोनों में डायरेक्शन क्या होगी, 90 की डायरेक्शन है, दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 90 का है। भाई हॉरिजॉन्टल में मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, और ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है ग्रेविटी, तो हर पॉइंट पर नीचे लग रही है ग्रेविटी, हर पॉइंट पर नीचे लग रही है ग्रेविटी, और तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद सर्कल द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। दूसरा एग्जांपल है कि कोई भी जो बॉडी है वो सर्कल में राउंड कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सर्कल में राउंड कर रही है, इस तरीके से सर्कल है और सर्कल में राउंड कर रही है, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, और सेंटर की ओर लग रहा है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस पॉइंट पर ऐसे हैं डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर ऐसे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसे हैं, इस पॉइंट पर ऐसे हैं, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है, और हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ये है, और फोर्स कहाँ है, एफ सी कहाँ है, सेंटर की ओर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान से देखेंगे कि सरफेस और उसके सेंटर, सरफेस और या हम रेडियल डायरेक्शन बोले कि सरफेस, सरकमफेरेंस और रेडियस, रेडियल डायरेक्शन ही तो है भाई, सेंटर की ओर लग रहा है, इसका मतलब है कि रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, यानी कि रेडियस में हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो सरकमफेरेंस और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सरकमफेरेंस में, उन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी जो वर्क है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो सेंट्रीपिटल देखो, फोर्स मैंने बताया है, फोर्स का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि इस बॉडी पर और फोर्स भी लग रहे हैं, ठीक है, वो हमने कैलकुलेटिंग, हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक फोर्स लिया है कि सेंट्रीपिटल के द्वारा किया गया वर्क कितना है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कुली बॉडी पर अपना लोड लेके जा रहा है, तो उसे दर्द हो रहा है, उसे वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो हम सिर्फ ग्रेविटी के कारण किया गया फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम और फोर्स को हमने कैलकुलेट नहीं किया, हम जिस फोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं उसी को हमने लिया गया है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस स्थिति में हमारे पास जो किया गया वर्क है वो क्या होता है, जीरो होता है। सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस में देखते हैं कि सेकंड केस, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क का तो फॉर्मूला ही क्या है, एफ डॉट एस कॉस थीटा, अगर एस ही जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क भी जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जीरो वर्क की कितनी कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है, पहली पढ़ी हमने कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, दूसरी पढ़ रहे हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। When a person, example क्या दे रखा है, example दे रखा है, when a person try to displace a wall by applying a force, ठीक है, net it does not move and it does not move, the work done is zero, ठीक है। भाई कोई भी person है वो किसी दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहा है, बट दीवार में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है,
दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एस जब जीरो है, एस इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल है, तब एस ही जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो उसमें वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, केस थर्ड है, इफ देयर इज ए नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एफ इज इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जब एफ ही जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल दे रहा है कि मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर किसी फ्री स्पेस में कोई आइसोलेटेड बॉडी है जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या वो रेस्ट में और फिर भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसमें उसके द्वारा किया गया वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमने तीन कंडीशन देखी, और अब हमारे पास आते हैं उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल्स हम देखते जाते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कि फाइंड द वर्क डन ऑन द बोर्ड ब्लॉक। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि जो हमने थ्योरी कराई उस पर हम न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, और जहां पर थीटा क्या है, एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स शोन इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, हमें वर्क फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हमें दिखा रखा है, यानी कि एस बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2 मीटर हो गए। ठीक है, फोर्स हमें दे रखा है 30 न्यूटन का फोर्स हमें दे रखा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की ये डायरेक्शन हो जाएगी, और दोनों के बीच में एंगल हमें 37 दे रखा है। ठीक है, और 37 एंगल का हमने ट्राइंगल देख चुके हैं, हम फिर देख लेते हैं कि अगर ये लेंथ, ये तो क्या होता है, 90 होता है, अगर ये 37 है, ये 37 है, तो ये जो साइड है वो 3 हो जाएगी, ये साइड 4 हो जाएगी, और ये साइड 5 हो जाती है। ठीक है, ये साइड 37 है, तो ये साइड 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम cos 37 फाइंड करना चाहें, तो cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5, तो वर्क क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा एफ एस कोस 37 हो जाएगा ना भाई, थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर थीटा बराबर है 37 डिग्री, तो मैंने रख दिया। एफ क्या है, एफ है 30, एस क्या है 2, और 37 क्या हो जाएगा, 4/5 रख दिया, 5 से इसको काट देंगे 6, और ये क्या हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई करो 12, 4 जाए कितना हो जाएगा 48, तो 48 जूल हमारे पास क्या आया, वर्क आया, क्योंकि भाई जूल क्या होता है, जूल होता है मीटर पर, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, जूल क्या होता है हमारे पास, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स किस में था, न्यूटन में था, डिस्प्लेसमेंट किस में था, मीटर में था, तो उसको मैंने लिख दिया जूल, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमें कि ये इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ से ये फाइनल पॉइंट आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, और एस कितना है हमारे पास, 1 मीटर का है। ठीक है, और जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल है, यानी कि ये थीटा है हमारे पास। ठीक है, ये एंगल हमें 37 दे रखा है। ठीक है, ये एंगल हमें 37 दे रखा है, यानी कि 180। भाई हॉरिजॉन्टल पे पूरा एंगल कितना होता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये एंगल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 में से 37 हमें दे रखा है, तो ये कितना हो गया, 37, यानी कि ये हो गया 143 हो गया। 143 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 53 लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। तो एक और हमने, एक और ट्राइंगल हम देख सकते हैं, कि एक ट्राइंगल तो हमने देखा 37 डिग्री के लिए। ठीक है,
और उसी का दूसरा एंगल क्या होता है, उसी का दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। कहाँ देखे भाई, यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से क्या है कि अगर ये एंगल 53 हो, ठीक है, ये एंगल 53, ये तो 90 है इसी, ये एंगल 53, तो ये जो साइड है वो 4 होती है, ये साइड 5 होती, सॉरी ये साइड 3 होती है, ये साइड क्या होती है, ये साइड 3 होती है, ठीक है, और ये साइड 5 होती है, ठीक है भाई। दोनों अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि ये अलग अलग ट्राइंगल लग रहे हैं भाई, ट्राइंगल एक ही है, ठीक है, ये 37 हो जाता है ना तो ये 53 हो जाता है, बट हमें आपको बताना होता है, ठीक है, कि ये 53 है, 53 के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो हम बनाते नहीं है एक ही में, ठीक है, ठीक है, बना दे, समझ जाना, ठीक है, इसमें बनाते हैं क्योंकि ये काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये एंगल 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 53 हो जाता है भाई, ये 53 हो जाएगा, क्योंकि 53 और ये कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो जाएगा ना भाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180 के होते हैं ना यार, तो 37 प्लस 53 प्लस 90 क्या हो गया, 180 हो गया, यानी कि ये ट्राइंगल सही है हमारा, ठीक है। और तो वही वाली बात है कि भाई 53 के सामने वाली साइड 4 है, और 53 के नीचे वाली साइड क्या है, 3 है, और ये साइड क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। तो 53 और 37 दोनों एंगल एक ही ट्राइंगल के हैं। अगर हमें 37 दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, 37 छोटा एंगल है तो छोटे एंगल के सामने की जो साइड होगी वो छोटी होगी, और बड़ा एंगल दिया गया है 53 तो उसके सामने की जो साइड होगी वो बड़ी होगी, यानी कि वो 4 होगी, ठीक है। तो 3, 4, 5 का जो ट्राइंगल, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उसके एंगल्स हमें याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखा, तो हमें वर्क निकालना है, हमें वर्क निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सेम कलर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वर्क हमें निकालना है, ठीक है, वर्क हमें निकालना है, वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है, एफ कितना है, एफ है 10, एस है 1, कोस कितना है, कोस है 143, ठीक है, 143 है, 143 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया 10, 143 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस 53, ठीक है, कोस 90 प्लस 53 लिख सकता हूँ, ये हो गया, कोस 90 प्लस 53 होता है माइनस, भाई ये यार ये तो मैथमेटिक्स वाले हैं कि 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का साइन 53 माइनस लगा दूं यहाँ पे, आगे माइनस है भाई, माइनस, ठीक है। और साइन 53 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 53 हमारा हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन 53 क्या हो गया हमारे पास, साइन 53 क्या हो गया, इस ट्राइंगल को ले लेना, ठीक है, साइन 53 क्या हो जाएगा, 4/5, तो माइनस का 10 इंटू 4/5, तो 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 जूल, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो साइन 53 क्या हो जाता है हमारे पास, 4/5 हो जाता है, साइन 53 क्या हो जाता है लिख लेंगे आप, ठीक है, साइन 53 क्या हो जाता है हमारे पास, 4/5 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने किया, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कि इस तरीके से बॉडी है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, यानी कि एस की डायरेक्शन किस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि एफ वन एफ टू और एन एंड एम जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, तो डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है हमें, किसके कारण, एफ वन के कारण भी फाइंड करना है, एफ टू के कारण भी फाइंड करना है, और नॉर्मल के कारण और mg के कारण हमें फाइंड करना है, यानी कि इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी के कारण हमें
फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी वर्क फाइंड करना है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके भाई, एम जी नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। देखो भाई कहाँ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो वर्क डन बाय एम जी क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो। सीधा लिख दे भाई, कोस 90 जीरो, तो वर्क एम जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं कि इसी पॉइंट पर ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो नॉर्मल और हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन बाय एम बी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो दो दो चीजें तो हमने देख ली कि नॉर्मल और जो अर्थ का अर्थ उस पर एम जी लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन है वो क्या है हमारे पास, जीरो है, ठीक है। अब हम और अदर फोर्सेस है उनके कारण देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर क्या हुआ है, नॉर्मल लग रहा है, और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड में क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। तो दोनों के कारण हमारे पास फोर्स हमारे पास हो गया, ठीक है, फोर्स हमने निकाल लिया। तो जो अपवर्ड लग रहा है और उसके कारण और डाउनवर्ड लग रहा है उसके कारण तो फोर्स क्या हो गए, जीरो हो गए। अब हम देख सकते हैं कि जो एफ वन है वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि जो एस के साथ है वो 180 डिग्री का एंगल है इसका, ठीक है भाई। फोर्स में और इसी में तो थीटा निकालते हैं, तो एफ वन और जो एस है उसमें कितना एंगल है, उसमें 180 का एंगल। तो वर्क डन बाय एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन इंटू एस कोस 180, सिंपल है, ठीक है। एफ वन की वैल्यू क्या है, एफ वन की वैल्यू है 10, कोस की वैल्यू क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, 180 क्या होता है माइनस 1, ठीक है, कोस 180 क्या होता है माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 हो गया सिंपली जूल में, ठीक है भाई। एफ वन है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एस इसके अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, तो दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। तो एफ वन के कारण हमारे पास वर्क आ गया माइनस का 20 जूल, ठीक है। अब हम देखते हैं F2 के कारण, F2 कितना है, 50 न्यूटन है, और F2 और S भाई ये यहाँ है तो ये यहाँ भी तो है ना, तो ये 37 है तो ये भी तो 37 ही होगा, ठीक है। और 37 का एंगल हम देख चुके हैं कि अगर ये एंगल क्या है, ये एंगल 37 है, तो ये साइड कितनी हो जाती है 3, ये साइड कितनी हो जाएगी 4, ये साइड कितनी हो जाएगी 5, और cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37 हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5, ठीक है। तो वर्क डन बाय F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, F2 इंटू एस और cos 37, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा F2 कितना है 50, एस कितना है 2, cos 37 क्या हो जाएगा 4/5, तो 5 से 50 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 80, ठीक है, 80 जूल, ठीक है, कट गया ना भाई। F2 कितना है 50 है, ठीक है, एस कितना है 2 है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 4 cos 37 कितना है 4/5, तो मल्टीप्लाई किया 4 × 2 = 8, और 8 × 10 तो 10, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि वर्क डन बाय एम जी जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो, ठीक है, वर्क डन बाय एफ वन इज -20, और वर्क डन बाय एफ टू इज 80 जूल, ठीक है। यानी कि सभी के कारण हमारे पास जो फोर्सेस थे वो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, कि आपको दे रखा है कि t = 0 पर हमारे पास क्या है, ब्लॉक है, यानी कि t = 0 पर ये t = 0 है, ठीक है, वहाँ पर ब्लॉक है, यानी कि और वाज रेस्ट पर है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है। फाइंड द
वर्क डन इन टू सेकेंड, वर्क डन फाइंड करना है टू सेकेंड में, टू सेकेंड में वर्क डन फाइंड करना है, यानी कि टी टाइम हमें दिया गया है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर पहुंच जाता है तो टी इक्वल टू क्या हो गया, टू सेकेंड हो गया, ठीक है। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, एस फाइंड कर लें, क्योंकि एस हमें नहीं दिया गया, अगर हम एस फाइंड कर लें, वर्क डन क्या होता है, वर्क वर्क फोर्स क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ हमें दिया गया है, थीटा हम फाइंड करेंगे, तभी तो फाइंड करेंगे जब हमारे पास एस हो, और हमसे कहा गया है कि स्मूथ सरफेस पर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चल रहा है, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है ना, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री हो जाएगा तो हम उससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, और एस बराबर हम जानते हैं कि एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉडी 10, बॉडी का जो मास है वो 10 kg है, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, यानी कि नेट फोर्स लग रहा है, और हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 केजी की उसकी बॉडी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 m/s², ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। कैसे निकाले, फोर्स लग रहा है, फोर्स फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, क्योंकि इस पर और फोर्सेस तो लग ही नहीं रहे भाई, नीचे एम जी लग रहा है, तो नीचे एम जी लग रहा है तो ऊपर नॉर्मल भी तो लग रहा होगा ना, तो वो तो दोनों को इक्वेट कर लिया वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसमें मोमेंट होगा उस डायरेक्शन में एफ 10 न्यूटन के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी कि इस ये एफ बराबर 10 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट लिख सकते हैं, एफ नेट को क्या लिखते हैं, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए लिखते हैं ना, एफ नेट को क्या लिखते हैं, एफ बराबर एम, और एफ नेट कितना है 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन को मैंने इक्वेट किया और वहां से ए बराबर क्या आएगा 1 m/s² आएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये तो क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 2 है तो 2 इंटू 2, भाई 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड का स्क्वायर किया तो मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, 1 2 से 1 2 कट गया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। यानी कि एस हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में भाई इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये होगा, तो इनिशियल से फाइनल की ओर हमारी डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एफ कितना है, एफ है हमारे पास 10, एफ कितना है 10 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 है, और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों पैरेलली लग रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 20, और कॉस कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है, 20 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 20 जूल, ठीक है। तो वर्क वर्क डन बाय द फोर्स कितना हुआ, 20 जूल, ठीक है, सही है भाई, क्या हुआ 20 जूल, भाई हमें फोर्स दे रखा था, मास दे रखा था बॉडी का, तो उससे हमने एफ नेट निकाला, एफ नेट से हमने एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन हमें पता था, इनिशियल पॉइंट के वैल्यूज हमें पता है, फाइनल पॉइंट के वैल्यूज हमें पता है, तो उससे हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट से हमने डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया, और दोनों के बीच का एंगल हमने फाइंड कर लिया, तो दोनों से हमने वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। तो आज तक के लिए इसके यहीं तक रखते हैं हम, बाकी हम फोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में आगे चैप्टर में जानेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं, आप हमें कन्वे करें, हम आपको बताएंगे कि क्या डाउट है, मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।